नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा आईपी एड्रेस के बारे में, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम आईपी एड्रेस लेकिन RHEL 6 में। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है आज का, हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक आईपी एड्रेस इन RHEL 6 लिनक्स। ओके, तो दोस्तों हम सीखते हैं कैसे हमें स्टैटिक आईपी देना है अपने RHEL 6 वाली मशीन पे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी मशीन पे चलते हैं, RHEL 6 मशीन पे, और रूट से लॉगिन होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे रूट से लॉगिन हो चुके हैं। ओके, और हम यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो दोस्तों स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए चलिए हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। ओके, और ये हमने टर्मिनल ओपन कर चुके हैं हम। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है सेटअप। ओके, सेटअप कमांड लिखनी है और एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपको देखो यहाँ पे आपको ग्राफिकल मोड में आपके सामने, ठीक है, ये स्क्रीन शो होगी। ओके, यहाँ पे आपको दोस्तों क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नेटवर्क कॉन्फिग्रेशन। ओके, और इस पर एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपके पास अनदर वीडियो आ गई। ठीक है, इस पर आप डिवाइस कॉन्फिग्रेशन में क्लिक कीजिए और ETH 0 में क्लिक कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको, ठीक है, अनदर जो ग्राफिकल मोड आपके सामने आया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नेम दिया हुआ है ETH 0 डिवाइस ETH 0। यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउन डाउन एरो की प्रेस करना है और यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लगा हुआ है यूज़ DSCP के आगे यहाँ पे स्टार बना हुआ है। ठीक है, आपको ये स्टार हटा देना है किससे, स्पेस की हेल्प से, और स्पेस प्रेस कीजिए, ये हट जाएगा। जैसे हटाएगा हटेगा तो आपको ये ऑप्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको स्टैटिक आईपी पे आना है और जो आईपी भी आपको यहाँ पे देना है वो आईपी यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मुझे जो आईपी देनी है 192.168.1.16। ओके, मुझे यहाँ पे ये आईपी देनी है और आप नीचे वाली लाइन पर आइए, डाउन एरो की से नेट मास्क आपका दीजिए 255.255.255.0। मैं पे क्लास सी का एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, अपने गेटवे पे आइए, जो आपका गेटवे है 192.168.1.1, ये मेरा गेटवे है। ठीक है, उसके बाद इसे डाउन एरो की करते करते आप ओके पे आ जाइए। ठीक है, ओके पे आने के बाद आपको ओके में एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों ये मोड आपके पास ग्राफिकल मोड अपेयर होगा, इस पर आपको डाउन एरो की प्रेस करते करके आप सेव माई, ठीक है, सेव में ओके कीजिए, उसके बाद डाउन एरो की प्रेस कीजिए और राइट एरो की उससे सेव एंड क्विट पे आइए, ओके कर दीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्विट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इतनी प्रोसेस करने के बाद आपको एक बार क्या करना है, अपने नेटवर्क को रिस्टार्ट करना है, किसे, सर्विस नेटवर्क रिस्टार्ट। ठीक है, क्या लिखना है आपको, सर्विस नेटवर्क रिस्टार्ट और एंटर कर देना है। ठीक है, मेरा रिस्टार्ट हो रहा है और एक बार आपको ये अपनी जो नेटवर्क की सर्विस है उसे इनेबल कर देना है परमानेंट के लिए, CHK कॉन्फिग नेटवर्क ऑन। ठीक है, ऑन कर चुके हैं आप। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, आपको आना है इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, जहाँ हमारी नेटवर्क जो हम आईपी एड्रेस देते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है स्टैटिक। ठीक है, वो बनती है, आपको वहाँ पे हमें एडिट करना है, इसलिए VIM कमांड की हेल्प कर लेंगे, VIM PPC SIS sysconfig हाइफन स्पेस नेट कॉन्फिग नेटवर्क हाइफन SCR स्क्रिप्ट ISCFG। ठीक है, हाइफन में क्या नाम आएगा, जो आपका नाम है ETH 0। देखो दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ETH 0। ठीक है, और एंटर कर दीजिए। ये लाइन लिखनी है दोस्तों, इस लाइन में अगर मैं चॉइस में मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर चुका था, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए VIM ETC sysconfig network scripts IFCFG और ETH 0 एंटर कीजिए।
ठीक है, एंटर करने के बाद दोस्तों आपको ऑन बूट पे आना है और बूट पे यहाँ पे आपको आईपैड के इंसर्ट मोड पर आना है और यहाँ पे यस लिखना है आपको। क्या लिखना है? यस। और कीबोर्ड में आके इसे सेव कर देना है और सेव करके इसे बाहर आ जाइए। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक बार दोबारा से सर्विस को रिस्टार्ट करना है, नेटवर्क सर्विस को। VIP सर्विस नेटवर्क रिस्टार्ट, ओके, और एंटर कर देना है। रिस्टार्ट हो गया, यहाँ पे फेल आ रहा है। ठीक है, ये फेल में यहाँ पे क्या करना है आपको, ये फेल आ रहा है ना, आपको एक कमांड और यहाँ पे स्टॉप करनी है, वो है आपकी सर्विस नेट WRK नेटवर्क MANAG मैनेजर स्टॉप। ठीक है, स्टॉप कर दिया। उसके बाद फिर लिखना है आपको, ये परमानेंटली आपको क्या करना है, ऑफ करना है। तो ये लिखना है आपको दूसरी कमांड, सर्विस नेटवर्क MANAG मैनेजर ऑफ। ठीक है, ये आप कुछ मिस्टेक कर दिया ने, सर्विस नेट WRK नेटवर्क MANAG मैनेजर। ठीक है, ओके, ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं आई एफ कॉन्फ़िग से। नहीं, एक बार आपको रिस्टार्ट करना होगा दोबारा से। ठीक है, तो पहले कमांड चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई है, यहाँ पे आप जब ऑफ और ऑन करते हैं तो CHK कॉन्फ़िग आता है, CHK दोबारा से बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लाइन आएगी, जब आपने देखो जब आप ये लाइन चलाते हैं, ये कमांड लिखते हैं आप, सर्विस नेटवर्क मैनेजर स्टॉप करते हैं, ये टेम्परेली आपका स्टॉप होती है सर्विस। ठीक है, और परमानेंट कोई सर्विस आपको स्टॉप करनी है RHEL-6 में, तो आपकी कमांड आती है CHK कॉन्फ़िग। ठीक है, सर्विस का नाम नेटवर्क MANAG मैनेजर ऑफ। ठीक है, ये हमारा ऑफ हो गया। और एक बार आप क्या करोगे, सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे, नेटवर्क सर्विस को, सर्विस नेटवर्क RS रिस्टार्ट, और एंटर कर दीजिए। ठीक है, और जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। ठीक है, और अब हम IF कॉन्फ़िग से अपने IP चेक करते हैं, IF कॉन्फ़िग। और अब यहाँ पे देखिए, ये इसने IP ले लिया है। ठीक है, स्टैटिक IP हमने इसे प्रोवाइड कर चुके हैं 192.168.1.16। ठीक है, और इसे आंसर पे पिंग कराते हैं, पिंग 192.168.1.16। ठीक है, ये पिंग होना शुरू हो रहा है। ठीक है, ये पिंग हो रहा है। और अगर मैं किसी अपनी दूसरी मशीन को इस IP से पिंग कराता हूँ, ठीक है, ये मेरी दूसरी मशीन है और इसका IP एड्रेस चेक करते हैं क्या है। ठीक है, इसका IP एड्रेस है IF कॉन्फ़िग, इसका IP एड्रेस है 1.104। ठीक है, 192.168.1.104। ठीक है, इसे पिंग करते हैं हम, पिंग 192.168.1.104। देखिए ये वाली मशीन भी पिंग हो रही है हमारी, तो इसका मतलब हमने स्टैटिक IP यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर चुके हैं हम। ठीक है, और जो इसका IP है वो आप IF कॉन्फ़िग से चेक कर सकते हैं, IF कॉन्फ़िग। ठीक है, और जो IP है 192.168.1.16। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम RHEL-6 में स्टैटिक IP को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड शुक्रिया, जय हिंद।